सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट के सतना में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में आयोजित कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में श्रीराम संस्कृत महाविद्यालय का किया दौरा। पीएम मोदी ने रघुवीर मंदिरों में की विशेष पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने तुलसीपीठ का किया दौरा। कांच मंदिर में की पूजा अर्चना। तुलसीपीठ की स्थापना जगत गुरु राम भद्राचार्य ने वर्ष 1987 में की थी। स्वामी राम भद्राचार्य ने पीएम मोदी को अभिनंदन पत्र से किया सम्मानित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से कर रहा है प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की सातवीं बैठक का किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने देश भर में शिक्षण संस्थाओं को 100 5G यूज केस लैब्स किया प्रदान। प्रधानमंत्री ने मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर कहा कि हमारी युवा पीढ़ी देश का नेतृत्व कर रही है। भारत में तेजी से 5G सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, इससे करोड़ों लोगों का भाग्य बदलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई उद्योगपतियों ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सत्र को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ते डेटा सर्विस भारत में उपलब्ध। देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर। दिल्ली में 27-29 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है भारतीय मोबाइल कांग्रेस। एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है IMC 2023 में लगभग 22 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागी लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन्फेंट्री दिवस पर सैनिकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी अथक चौकसी और बेजोड़ वीरता समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। सीएम योगी ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय अन्न महोत्सव तथा राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का किया शुभारंभ। किसानों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। मुख्यमंत्री ने श्री अन्न महोत्सव कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि में व्यापक परिवर्तन लाकर किसानों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में श्री अन्न महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने नई भाजपा के शिल्पकार नरेंद्र मोदी पुस्तक आज किया विमोचन। पुस्तक में बताया गया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी विरासत से युक्त एक पार्टी संगठन की को सफलता की ताकत में परिवर्तित किया है। लगभग 1,600 करोड़ के बैंक लोन घोटाला मामले में राजधानी दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई पंचकुला अंबाला के कुल 16 से अधिक जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। रेल मंत्रालय ने अकुशल श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का किया ऐलान। अकुशल श्रमिकों को 14,400 प्रति माह मिलेगा पारिश्रमिक। उच्च श्रमिक को मिलेंगे 18,870 रुपए। आवास विकास परिषद के गठन के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए परिषद के पास भूमि बैंक के लिए किसानों से सहमति के आधार पर ली जाएगी जमीन। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट 22 सर्कुलेशन प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू। जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के तबादलों पर लगी रोक। नोएडा में ऐसे किसानों को भी दी जा रही है सम्मान निधि जिनकी हो चुकी है मृत्यु। विभाग उनके उत्तराधिकारियों से वसूली करने की कर रहा है तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 63 तहसीलदारों को दिया प्रमोशन का लाभ। सभी तहसीलदार प्रमोशन पाकर बने उप जिलाधिकारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। तीरंदाज शीतल देवी ने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक बार फिर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने
हांगझोउ में महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।